हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ पोटैटो स्नैक्स रेसिपी। ये बहुत ही टेस्टी और इजी रेसिपी है, तो आइए इसे बनाते हैं। इसके लिए मैंने बड़े साइज के 2 पोटैटो ले लिए हैं। आप जिस हिसाब से बनाएं उतने ले लीजिए। अब इन्हें अच्छे से छील लेंगे सबसे पहले, फिर एक ग्रेटर से, चिप्स वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। तो इसे ग्रेट करने के बाद हम इसे 2 से 3 पानी में अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे, ताकि आलूओं का सारा स्टार्च निकल जाए। इसे अच्छी तरह से धो लेंगे पहले। तो ये चिप्स बनाने के बाद आप बाहर के चिप्स कम मंगाएंगे और घर पर ज़्यादा बनाना पसंद करेंगे। इतने मज़े की ये चिप्स बनकर तैयार होते हैं। तो इसे अच्छी तरह से वॉश करने के बाद हम इसे एक प्लेट में निकाल कर फैला लेंगे। इसके बाद एक कॉटन का कपड़ा लेंगे, इसमें इसका सारा पानी सोख कर लेंगे। अच्छी तरह से एक एक करके इसे फैला देंगे, बस 5 मिनट के लिए इसे। और इसे सुखाने के बाद हम इसे एक दूसरी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और फिर थोड़ा सा इसके ऊपर से थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर छिड़क देंगे, ताकि चिप्स कुरकुरे करारे हमारे स्नैक्स बनकर तैयार हो। तो कॉर्नफ्लावर आपको इजीली मिल जाएगा। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं हो तो आप इसमें चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। इसे हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि हमारे चिप्स क्रिस्पी बने। इसमें मैंने सभी तरफ से अच्छे से कॉर्नफ्लावर लगा दिया। एक ब्रश की मदद से हम इसे थोड़ा सा और सब में फैला देंगे। यहाँ पर मैंने कुछ टूथपिक ले ली हुई है, पानी में भिगा कर इसे गीला कर लिया है, ताकि जब हम चिप्स फ्राई करें तो टूथपिक जले ना। चिप्स को रोल करके आलू के जो स्लाइस हमने काटे हैं इसमें इस तरह से स्टिक कर देंगे और सारे को इसी तरह से कर लेंगे। सभी चिप्स को मैंने इस तरह से रोल करके स्टिक कर दिया है। अब यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली, इसमें हम अच्छे से फ्राई करने के लिए थोड़ा ज़्यादा ऑयल लेंगे। ऑयल को अच्छे से आँच पे गर्म हो जाने देंगे और फिर सभी स्नैक्स को इसमें डीप फ्राई कर लेंगे। पहले तेज़ आँच पर हम इसे फ्राई कर लेंगे, फिर बीच में मीडियम करके, ताकि अंदर तक क्रिस्पी हो जाएं। तो आपकी कढ़ाई में एक बार में जितने आ जाएं उतने फ्राई कर लीजिए, बाकी का स्नैक्स हम दूसरे बैच में तैयार कर लेंगे फ्राई। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पर मेरे चिप्स फ्राई हो चुके हैं, तो इसे मैं एक छन्नी की मदद से निकालती हूँ और आपको बताती हूँ कि कितने करारे बने हुए हैं। इसकी स्टिक पहले हम सारी निकाल लेंगे इस तरह से घुमाकर, ताकि चिप्स टूटे भी ना और ये आसानी से निकल जाएं। तो थोड़ा सा हम स्टिक को घुमाएंगे और सारे ही चिप्स से स्टिक निकल जाएगी ईजली। अब हम इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब हम इसके ऊपर कुछ चटपटी मसाले डालेंगे, जो भी आपको पसंद हो। थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, टेस्ट के हिसाब से नमक, लाल मिर्च का पाउडर डालना चाहे तो वो भी ऐड कर दें। और ये बस सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। तो तैयार है फटाफट से बनने वाले हमारे चिप्स। अगर कोई मेहमान अचानक से आ जाए या आपका कुछ क्रिस्पी खाने का मन करे, तो आप इस रेसिपी को जल्दी से ट्राई कर सकते हैं। बस एक ही चीज़ से बनने वाली ये रेसिपी है, तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें, इंजॉय करें। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।